तो चलिए राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं सबसे पहले हम पहली राशि यानी मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए कौन सी धातुएं शुभ हैं और कौन सी अशुभ, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, ये सभी कार्यक्रमों में लगभग मैं आपको बताता हूं। ग्रहों में मंगल को सेनापति माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि सेनापति मंगल को क्यों माना जाता है, तो ग्रहों का विभाजन दो खेमे में हुआ, एक सूर्य के खेमे में, एक चंद्रमा के खेमे में। तो राशियों का विभाजन कैसे हुआ, सूर्य के साथ कौन कौन सी राशियां आएंगी, सूर्य को शुरू की 6 राशियां मिली, चंद्रमा को बाद की 6 राशियां मिली। सूर्य को मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और उसके बाद तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, एक एक राशियां एक एक लोगों को मिली। तो मंगल की एक राशि सूर्य को मिली है और मंगल की वृश्चिक राशि चंद्रमा को मिली है। मंगल सेनापति का काम करते हैं, बुध राजकुमार का काम करते हैं, बृहस्पति गुरु का काम करते हैं, शनि दास अर्थात सेवक का काम करते हैं, और शुक्र जो है वो महारानी का काम करते हैं। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों दो खेमे के अधिपति हैं, एक दिन का मालिक है, एक रात का मालिक है। तो मेष राशि वालों की जो शुभ धातु है वो है सोना। इनको सोना धारण करने से अच्छी ऊर्जा मिलती है, सोना धारण करने से इनका भाग्य प्रबल हो सकता है। तांबा और अष्टधातु भी मेष राशि के जातकों को मिला जुला फल देती है। चांदी और हीरा इनको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आपकी राशि मेष राशि है और आपकी लग्न वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आप चांदी अगर पहनेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक के प्लेट में भोजन करेंगे तो इससे आपका भाग्य छीण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए प्लास्टिक के बर्तन में पानी पीना, प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाना, प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना, ये सब आपके भाग्योदय के लिए नुकसानदेह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे तो आज का हमारा कार्यक्रम राशियों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राशि और लग्न ये दो चीजें हैं। किसी किसी व्यक्ति का लग्न बलवान होता है, उसके अनुसार उसके जीवन में फलादेश होते हैं, और किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में राशि बलवान होती है, उसके हिसाब से जीवन के फलादेश होते हैं। किसी की लग्न कुंडली देखकर लगता है करी तो बड़ा भागा है, इसकी तो शिक्षा नहीं ठीक होगी, इसका तो धन दौलत ठीक नहीं होगा, लेकिन जब चंद्र कुंडली पर निगाह डालिए तो लगता है ये तो सारा कुछ मामला ही बदल गया है। तो जो अच्छा ज्योतिषी होगा, अनुभवी होगा, वो पहले तराजू पर तौलेगा कि इस व्यक्ति का जो सामने बैठा हुआ व्यक्ति है, ये व्यक्ति चंद्र कुंडली के प्रभाव में है कि लग्न कुंडली के प्रभाव में है। और जब तक ये रीड नहीं कोई कर सकता है, तब तक कोई किसी के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अगर लग्न कुंडली से किसी को संतान योग नहीं है, लेकिन चंद्र कुंडली से संतान योग एकदम स्ट्रांग बन रहा है, मजबूत बन रहा है, तो उसको संतान होगा। लग्न कुंडली से किसी की कुंडली में दरिद्र योग बन रहा है, लेकिन चंद्र कुंडली से उसको राजा धीराज योग बन रहा है, तो राजा बनेगा। इसी तरह से यदि चंद्र कुंडली से किसी को दुर्भाग्य योग बन रहा है, लेकिन लग्न कुंडली से नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो वो राजा बनेगा। तो कहने का आशय यह है
कि दो प्रकार की हमारी जन्म कुंडली होती है, एक तो चंद्र कुंडली होती है, एक लग्न कुंडली होती है। वैसे तो तीन प्रकार की होती है, एक सूर्य कुंडली भी होती है, लेकिन सूर्य कुंडली का इतना महत्व नहीं है जितना चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली का महत्व है। ठीक है, तो वृषभ राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र को असुरों का गुरु माना जाता है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को चांदी धातु सबसे शुभ मानी जाती है। चांदी धारण करने से मन शांत रहेगा और एकाग्रता बढ़ेगी। चांदी धारण करने से फैसले लेने में आसानी होगी। वृषभ राशि वालों को चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए हीरा प्लेटिनम धातु भी मिला जुला फल देगा। वृषभ राशि वाले एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करें। तो ये सब चीज़ों का अगर ध्यान रखें तो निसंदेह जीवन अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर किसी की वृषभ राशि है और वो मेष लग्न में पैदा हुआ है, वो कर्क लग्न में पैदा हुआ है या सिंह लग्न में पैदा हुआ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को सोना भी फायदा करेगा। ऐसा व्यक्ति सोना भी धारण कर सकता है। तो इसलिए केवल राशि को ही देख करके, एक बात को ही देख करके ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि क्या धारण करना चाहिए क्या नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सोना या तांबा आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। सोना या तांबा धारण करने से इनको कारोबार में, नौकरी में, आमदनी के क्षेत्र में काफ़ी लाभ मिलता है। तांबे के बर्तन में भोजन करना इनके लिए शुभ साबित होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, तांबे के बर्तन में भोजन तभी आप कर सकते हैं जिसमें कोई एसिड वाला चीज़ ना हो। अगर तांबे में कोई मीठे वाला चीज़ होगा और कोई एसिड वाला चीज़ होगा तो तुरंत तांबे से अपना केमिकल रिएक्शन करके जहर पैदा करेगा। तांबे के बर्तन में आप गन्ने का रस दे रख दीजिए, वो 15 मिनट के बाद शराब बन जाएगा। तांबे के बर्तन में पानी में गुड़ डाल करके रख दीजिए, वो पानी आधे घंटे के बाद शराब का काम करने लगेगा। तो तांबे के बर्तन से केमिकल रिएक्शन बहुत होता है। तांबे के बर्तन में यदि आप खाना खा रहे हैं और उसमें दाल में आपने नींबू निचोड़ दिया तो देखिए फिर क्या स्थिति होती है। तो इसलिए तांबे के बर्तन में खाना खाने के लिए तो मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि आप कोई न कोई भूल कर ही सकते हैं। हाँ, तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी ज़रूर यूज करना चाहिए। तांबे के बर्तन में सूखा प्रसाद जैसे पंजीरी है, ये आप सेवन कर सकते हैं। हलवा है, उसे आप सेवन कर सकते हैं। तो तांबे का बर्तन जहाँ तक हो सके खाने के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कर्क राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कौन सी धातु शुभ है और कौन सी अशुभ, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए कर्क राशि के जातकों को चांदी पहनने से बहुत लाभ मिलेगा। चांदी और मोती, ये दो चीजें तो इनके लिए वरदान हैं। चांदी पहनने से इनकी सूझबूझ बढ़ेगी और इनका व्यक्तित्व, इनके व्यक्तित्व में भी बहुत चमत्कारिक निखार आएगा। चांदी का चम्मच, चांदी की गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी की थाली अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन भूल करके भी आपको एल्यूमिनियम या चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना आपको नुकसान होगा।
प्रभु श्री राम की भी राशि कर्क राशि थी। प्रभु श्री राम ने 12 वर्ष के वनवास में, ये सही है कि चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं किया होगा, धातु के बर्तनों में भोजन नहीं किया होगा, लेकिन जंगल के पवित्र वनस्पतियों के पत्तों पर ही उन्होंने भोजन किया होगा। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है। एल्यूमिनियम और प्लास्टिक से बने हुए क्रॉकरीज, ये आपको भूल करके भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं हम सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है, इसलिए सोना धारण करना सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत शुभकारी माना जाता है। सोना पहनने से सिंह राशि वालों का भाग्य मजबूत होता है। सूर्य ग्रह का सकारात्मक प्रभाव पड़ने से आत्मविश्वास मजबूत होता है। सिंह राशि वालों को प्लेटिनम, मोती, हीरा और चांदी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन अगर कर्क, वृश्चिक या मीन लग्न हो तो सिंह राशि के जातक मोती पहन सकते हैं, कोई दोष नहीं होगा। इससे इनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव तब पड़ेगा जब कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न ना हो। तो सिंह राशि वालों को सूर्य ग्रह का शुभ प्रभाव पाने के लिए शुद्ध तांबे के बर्तन में पानी रखा हुआ हो उसे पीना चाहिए, लेकिन तांबे के बर्तन में भोजन बनाकर छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, तांबे का बर्तन एक पवित्र बर्तन है जो पानी को एकदम अमृत बना देता है, लेकिन शेष चीज़ों से उसके केमिकल रिएक्शन बहुत तेज होते हैं, इसलिए तांबे की चीज़ों को अक्सर लोगों में, अब तो शहरों में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गाँव में जब पहले भोजन बनता था तो दाल में आम की खटाई जरूर डाली जाती थी। आम की खटाई के बिना दाल ही नहीं होती थी, और वो दाल अगर तांबे के बर्तन में परोसी जाए तो तांबे के खटाई के संसर्ग के कारण उसका केमिकल रिएक्शन हो जाता था, वो नुकसानदेह था। इसलिए तांबे के बर्तनों को खाने के रूप में हमारे पूर्वजों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कन्या राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध है। कन्या राशि वालों के लिए अष्टधातु तांबा कांसा ये शुभकारी होता है। सबसे ज़्यादा शुभकारी तो कांसा होता है। कांसे की भी एक खासियत आप जानते हैं, कांसे को अगर 2 फीट ऊपर से भी जमीन पर गिरा दिया जाए, फर्श पर गिरा दिया जाए तो चूर चूर हो जाएगा। पहले गाँव में कांसे के बर्तन का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था। कांसे के बर्तनों में ही चावल दाल बनाया जाता था, कांसे के बर्तनों में ही लोग खाना खाते थे। तो कांसा जो है ये बुध के लिए सबसे फेवरेबल धातु है। तो अष्ट धातु का कड़ा पहनने से भी इनकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। कन्या राशि वालों को तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी पीने से लाभ मिलता है। चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल भी आपके लिए लाभकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के बाद बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों के लिए कौन सी धातुएं शुभ हैं, कौन सी अशुभ हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। तुला राशि वालों का स्वामी ग्रह शुक्र है। चांदी,
और प्लेटिनम धातु इनके लिए शुभ है। इसीलिए देखिए ना, किसी को जब कोई पंडित जी डायमंड एडवाइस करते हैं तो कहते हैं कि इसको प्लेटिनम में बनवाइए। प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो 1080 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलती है, और सामान्य जो स्वर्णकार हैं, सोने के गहने बनाने वाले हैं, उनके पास ऐसा टेक्निक नहीं है कि इतने डिग्री पर वो उसे पिघला सकें। इसलिए अक्सर क्या होता है कि लोग 25% सोना 75% चांदी मिला करके अंगूठी बना करके उस पर प्लेटिनम की पॉलिश कर देते हैं। अक्सर यही होता है जो मैंने देखा है प्रयोग में, क्योंकि प्लेटिनम का निर्माण और प्लेटिनम का आभूषण, प्लेटिनम की अंगूठी तो किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, किसी बहुत बड़ी संस्था के द्वारा ही बनाया जा सकता है, जहां 1080 डिग्री के टेम्परेचर पर प्लेटिनम को गलाने की व्यवस्था हो। प्लेटिनम धातु तुला राशि के जातकों का भाग्योदय करा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन धातुओं को धारण करने से सेहत भी अच्छी रहेगी। चांदी का चम्मच या गिलास इस्तेमाल आपको करना चाहिए। चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। जय माँ बिंदवास। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सी धातुएं शुभ हैं, कौन सी अशुभ हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को तांबा धातु बहुत लाभकारी है। वृश्चिक राशि वालों को तांबा तब जरूर पहनना चाहिए जब इनकी कुंडली में मंगल शुभ हो, जीवन में कोई बड़े परेशानी ना हो, किसी नई योजना के बारे में सोच रहे हों, तो वृश्चिक राशि वालों को तांबे के जग में रखा हुआ पानी जरूर पीना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लोहे का छल्ला तभी धारण करना चाहिए जब उनका शनि शुभ स्थिति में होकर के निर्बल हो, या लोहे का छल्ला तब पहनना चाहिए जब कोई गुदा से संबंधित, रेक्टम से संबंधित बीमारी हो। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए और हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि का स्वामी ग्रह तो बृहस्पति है, ये बात पक्की है कि धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। धनु राशि में जब चंद्रमा होता है तब धनु राशि बनती है, लेकिन किसी किसी की कुंडली में धनु राशि तो होती है लेकिन वृश्चिक लग्न में जन्म होता है, कर्क लग्न में जन्म होता है, मीन लग्न में जन्म होता है, तो जरूरी नहीं है कि बृहस्पति का सोना जो है वो चांदी को रोके। सोना पहनना तो इनके लिए ज़्यादा लाभकारी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सोना इनको सबसे ज़्यादा लाभ भी देता है। लेकिन अगर धनु राशि का कोई जातक बहुत मोटा हो और उसे मोटापे की बीमारी हो तो उसे ना तो पुखराज पहनना चाहिए और ना ही सोना पहनना चाहिए, और सोना अगर पहने भी तो तर्जनी उंगली में न पहने, गले में पहन सकते हैं। धनु राशि के जातकों को शुद्ध स्टील के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। मिट्टी के कुल्हड़ में दिन में एक बार चाय जरूर पीना चाहिए। धनु राशि के जातक अपने भाग्योदय के लिए यदि मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करें लस्सी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, तो निश्चित रूप से उनके सैकड़ों रोग खत्म हो जाएंगे। और धनु राशि के जातकों को तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप अपने घर में मिट्टी की सुराही रख लें और उसमें पानी भर करके पिएं, और आप फ्रिज का पानी न पिएं, तो भी आप कम से कम 10-20 रोगों से बचे रहेंगे। हाँ, पीतल के बर्तनों का कम इस्तेमाल करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जय माँ विंध्यवासिनी।
चलिए बात कर लेते हैं हम मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ धातुएं कौन सी हैं, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए कैसे बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। मकर राशि का स्वामी ग्रह शनि है। इनकी शुभ धातु जो है वो लोहा है, अष्ट धातु है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की 19 वर्षों की महादशा चल रही है तो लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार को 4 बजे शाम आप धारण कर सकते हैं, साधारण लोहे का छल्ला। और यदि और उत्तम कर सकते हैं तो नाव की कील का छल्ला अगर आपको मिल जाए तो ये सर्वोत्तम है, या काले घोड़े के नाल का छल्ला अगर आपको मिल जाए तो अति उत्तम है। लेकिन काले घोड़े के नाल का छल्ला बनवाते समय लोहार को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि यदि घोड़े की नाल को आग में तपा दिया गया और तब छल्ला बना तो उसका महत्व तो खत्म हो जाएगा। उसको कच्चे लोहे को ही पीट करके अंगूठी बनाई जानी चाहिए। इसी तरह से जो नाव की कील होती है, नाव की वो कील नहीं जो बीच में लगी होती है, नाव की वो कील जो 5 कीलों से पूरी नाव आगे की तरफ बनती है, जो कम से कम 6 इंच लंबी कील होती है, वो कील अगर हथौड़ी से पीट करके उसका छल्ला बनाया जाए तो ये हर प्रकार के दोष को दूर करता है। चांदी और मिट्टी के बर्तन में भी इनके ग्रहों को मजबूती मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी धातुएं शुभ हैं और कौन सी अशुभ, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जान लेते हैं। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए इनकी शुभ धातु जो है वो है लोहा। लोहे की शनि प्रतिमा की उपासना करनी चाहिए। लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। वैसे तो बताऊं कि सभी राशि वालों को अपने मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये शनि की उंगली है और यहाँ पर रेक्टम गुदा मार्ग का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यहाँ जब आप लोहे का छल्ला पहनते हैं तो आपके रेक्टम से संबंधित पाइल्स, फेस्टुला, भगंदर, बवासीर जैसे रोगों को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। इस उंगली में चांदी तो पहनी जा सकती है लेकिन सोना नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि से सोने से बहुत ही ज़्यादा शत्रुता है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए लोहे की कढ़ाई में भोजन पकाना शुभ माना जाता है। लोहा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो लोहा दान करना भी फायदेमंद होगा। प्लास्टिक और चीनी मिट्टी के बर्तनों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि के लिए कौन सी धातुएं शुभ हैं और कौन सी अशुभ, साथ ही इन्हें अपने भाग्योदय के लिए किन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। इनकी शुभ धातु सोना और अष्ट धातु है। जीवन की तमाम मुश्किलों से निकलने में सोना और अष्ट धातु बहुत ही मददगार साबित होगा। सोने का चम्मच का इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा, अष्ट धातु का कड़ा बनाकर पहनना आपके लिए फायदेमंद होगा, पीतल के बर्तन में भोजन बनाना, भोजन करना आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर मीन राशि के जातक रेगुलर पीतल के बर्तन में भोजन करें, पीतल के गिलास से पानी पिएं, पीतल के चम्मच का इस्तेमाल करें, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सैकड़ों रोग आपके अनायास समाप्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।